हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। आज के ब्लॉग में आपका लोगों का स्वागत है गाइस, हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आओ गाइस, क्या चल रहा है, हाल चाल? सो भाई, हमको आज जाने का है वापस अपने घर पे अहमदाबाद, कि इसके लिए भाई हमने टिकट बुक कर ली थी ट्रेन की, मतलब अपनी टिकट जो थी अब कंफर्म ही हो चुकी है, 3 टिकट है। तो भाई हमको आज निकलना है अपने घर के लिए। अपना जो ट्रेन का टाइमिंग है कि भाई वो 11:45 को टाइमिंग रखा है, रात का ट्रेन है, और अभी कुछ बज रहे हैं 11 o'clock। हाँ, 11 o'clock बज रहा है भाई। तो भाई मतलब ऐसा है कि भाई हमने ऐसा मैंने डिसाइड ऐसा किया है कि भाई पहले अपने चलते यहाँ से पटना, मतलब पटना में मेरा वो भाई का घर है वहाँ पर, तो मतलब वो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाके हम लोग उधर कुछ स्टे कर लेंगे, कुछ 10 घंटे के आसपास। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पटना, ठीक है। तो वहाँ से अपने ट्रेन पकड़ लेंगे शाम को जाके, तो इतना कुछ हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 10 घंटा स्टे करने के बाद। और इसके लिए भाई गाइस हमारे पास अभी कुछ लगेज कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि भाई नानी ने मेरी नानी जी है जिसने उनने भाई बहुत कुछ भर दिया है भाई हमारे बैग में, जैसे कि सत्तू हो गया, दाल हो गए, और भी कुछ है भाई मुझे पता नहीं है, पर बहुत कुछ भर दिया है भाई। तो इसके लिए भाई आज लगेज कुछ ज़्यादा ही हो चुका था, इसके लिए भाई मेरे नाना जी ने गाड़ी बुक कर ली, मतलब यहाँ से अपने गाड़ी बुक करके पटना जाएंगे। तो उनके वो गाड़ी वाले हमको छोड़ देगा उधर मेरे भाई के घर पे, ठीक है। तो डायरेक्ट मेरे भाई के घर पे चला जाएंगे। उसके बाद गाइस आपको उसका भी ब्लॉग मिल जाएगा, मतलब गाइस आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगा सब कुछ, ये जो अभी आज मैं अभी कर रहा हूँ इसमें मिल जाएगा, कैसे अपने भाई के घर पर गया, वहाँ पर कैसे स्टे किया, सब कुछ मिल जाएगा, कैसे मैंने ट्रेन पकड़ा और गाड़ी में कैसे बैठा, कैसे गया, सब कुछ मिल जाएगा, इसको टेंशन नहीं है आपको। बस आप ब्लॉग इन्जॉय करते रहो मेरे साथ। सो गाइस अभी मैं तैयार हो चुका था, खाना वाना भी खा लिया मैंने, तो भाई अब निकलते हैं। और सो गाइस इसमें हमने मैंने जो लगेज में ले लिया है भाई अपना, ये बैग, ये मेरा बैग है भाई, इसमें लैपटॉप, चार्जर, कैमरा का जो एक्सेसरीज थे सब कुछ मैंने अंदर रख लिया है, थोड़ा बहुत कपड़े हो गए, बाकी के सामान जो है भाई वो नीचे रख दिया है। तो भाई वो सब कुछ अलग तरह से रेडी हो चुका है भाई। अब मैं सिर्फ चेकअप कर रहा हूँ भाई कि अगर इसमें भी मैं चेक कर लेता हूँ अपना रूम कि भाई कुछ रह तो नहीं गया है, कुछ रह गया हो तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, चेक तो करना पड़ेगा। चलो भाई मैं पहले चेक कर लेता हूँ गाइस, चेक करने के बाद आपको मिलता हूँ वापस, ठीक है। ओके गाइस, सो गाइस अपना अब गाड़ी आ चुका है, गाड़ी बाहर लगा हुआ है गाइस, हम सब कुछ भाई पैक कर लिया मैंने भाई, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। और भाई चल, कुछ ज़्यादा लेट हो गया लगता है आज, मम्मी बोल बोल कर रही है भाई बहुत। वही तो, अभी वापस आना ही होगा। चलो गाइस अब निकलने का टाइम आ चुका है, नाना नानी को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। चलो नानी देखो भाई रो रही है, अरे यार रानी देखो वापस आएगी अपने, ठीक है। अगले महीने नीचे महीने बाद वापस आऊँगा मैं, अब रो मत ऐसे करके, थोड़ी सा अच्छा लगता रोते हो तो बताओ। चलो ये देखो गाइस, यहाँ पर आपको पहले दिखाई नहीं होगा मैंने कि भाई क्या क्या है, ये सामने फील्ड है, यहाँ पर भाई गटर का पानी, और यहाँ पर भाई खेती चलता है हमारा, मैंगो ऑरेंज कुछ यहाँ पर, छोटा सा गली, ये बैक साइड है साइड। और गाइस ये देखो बेम्बू का, गाइस ये बेम्बू का एक हैंगिंग ब्रिज है, छोटा सा हैंगिंग ब्रिज, यहाँ से हमको ऊपर से चलना पड़ता है। ये देखो मम्मी चल रही, कैसे टूट जाएगा, मैं टूट जाएगा ऐसे चले भी तो। आपका वजन देखो कितना है, मैं पे ना हैंगिंग ब्रिज। एक गाइस से चेक करो, अपनी गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी हट्टी का, अब चलते अंदर। आगे बैठ जाओ ना, क्या मैं जाने बैठो, आगे बैठो, थोड़ा शूटिंग वूटिंग करना है मेरे को, ठीक है। शूटिंग करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। भाई बैठ के अंदर, गरम है पूरा, इधर मुंह लगेला का आता,
इधर मुंह लगे थे ना तो हीट रहा था, वो तो करता है जानबूझ के इधर मुंह लगे थे, पीछे से पूरा आ रहा है ना, हीट आ रहा है, अभी तो ठंडा हो जाता है। नानी को वेट चल, नानी अरे मत ऐसे करके, चलो वापस आऊंगा, चलो ठीक है, चलो भैया। कितना पर है अभी, क्या किलोमीटर किलोमीटर कहाँ को ऐसे है ये रोड बनने में कितना टाइम लगेगा? ये रोड बनने में कितना टाइम लगेगा? अभी बहुत टाइम लगेगा, एक साल दो साल लग जाएगा नहीं? हाँ, टेस्ट पूरा कर सकता हूँ। 24 में चालू होगा, 24 में चालू हो जाएगा पूरा, 24 में बोला है ऐसा चालू होने में। हाँ 24 तक तो लगेगा, अगर कोई ठिकाना तो है नहीं चालू होगा नहीं होगा, अरे होगा मतलब चालू हो जाएगा, बट बनना चाहिए ना फटाफट। अभी देखो काम चालू बहुत तेज से, टारगेट है 24 तक करके देना ही है ना, काम बहुत ज्यादा तेज है, ऐसा बात नहीं है, देखने लग रहा है रात को होता है काम, वो देखा मैंने, दिन में नहीं काम निकलता है रात को। अभी दिन में तो अभी ट्रैफिक कितना हो जाता है, दिन में तो ट्रैफिक हो जाएगा, ठीक है जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा हो जाएगा हमें, बनने के बाद तो मस्त लगेगा हमें, कट से निकल जाएगी यहाँ से बख्तियारपुर से इधर, अभी उसका भी आया ना भागलपुर का ब्रिज टूट गया, अभी उधर ठीक से अभी बनाया नहीं था उसको, अच्छा वो तो अहमदाबाद से बड़ोदरा तो नहीं था, वो बड़ोदरा से राजकोट तक शायद तक, हाँ वैसे टाइप बनेगा मतलब, थोड़ा भाई सही है तो बन जाए अच्छा, पुराना रोड कितना गड्ढा है यार, भाई ये देखो भाई अभी रोड नहीं रहा इधर, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने भैया के घर पे, जो कि भाई हमको कितना 5 घंटे के लिए हमको सहारा दिया भाई जिसने, क्या बोलते भैया, थैंक यू भैया आपने बहुत अच्छा काम किया हमको सहारा देके। अरे भैया तो अपना फेस दिखाते हैं नहीं गाइस, देखो ऐसे ही रखेगी मतलब थोड़ा सा शर्मली टाइप के है, बोलते हैं भाई मैं यूट्यूब में आ गया ना भाई तो मैं सब लोग हिल जाएंगे है ना भैया। तो गाइस अपना अभी कुछ 11:45 का ट्रेन है, तो भाई इसके लिए भी अपने रुके हुए थे अपने भाई के घर पे, यहाँ से जो रेलवे स्टेशन पड़ता है कुछ 5 या 6 किलोमीटर के आसपास, तो अभी अपने एक भैया आएंगे बाइक लेके, जो कि अपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा भाई, जो उनका मैंने बाइक चलाया था, तो अभी कुछ आते हो गए तो मैं उसका बाइक चलाएंगे थोड़ा बहुत राउंड लेके थोड़ा घूम लेंगे, थोड़ा बहुत आपको क्लिप मिल जाएगा बाहर का पटना का कैसा क्या है, ठीक है
चलो भाई, अब डायरेक्ट आपको बाहर मिलता हूँ मैं। चलो भाई, अब चलते हैं बाहर इनका बाइक चलाने के लिए। वैसे अभी कुछ 3 घंटे के आसपास बाकी है अभी। इनका छोटा सा भाई घर है, सोसाइटी है, अच्छा है, मतलब अच्छा खासा है। इधर कुत्ते भोगते रहते हैं। ये रहा बाइक इनका। दिस इज व्हाट, चेक दिस आउट गाइस। टाइम इज बेली आउट ऑफ साइट, आई डोंट वांट टू वेस्ट व्हाट्स लेफ्ट। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on. Gonna let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? अभी हम लोग इधर आए हैं, अपने ट्रेन जो थी भाई इधर ही खड़ी है, एग्जिट में सामने ही खड़ी थी। तो भाई लोग पहुँच चुके अपने भाई ट्रेन पे, अब चलते हैं अंदर। क्या काम करते हैं अपने? अब कब बंद होता है पीजी? 10 मिनट। यही है भाई अजीमत एक्सप्रेस, जिस डब्बे में हमको जाना है। पर अभी किए खुला नहीं रखा है, पीछे नहीं खोल रखा है भाई। लगभग कुछ 11:45 का टाइम है ट्रेन का, और अभी मैं हम लोग 10 बजे पहुंच गए थे इधर। तो देखते हैं। हेलो गाइस, मेरे को कुछ खाने का मन कर रहा है, बंदा कुछ खिला ही नहीं रहा है, भूखे रखा सुबह से। भाई गरीब आदमी है भाई, कहाँ से खिला सकते हैं भाई तुमको, हम बताओ। सुबह से भूख ही रखा है, और ऊपर से गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है। मैं बोलता हूँ कुछ खिलाओ तो कहता हवा हवा खाओ, हवा खाओ पानी पियो, बस यही है भाई। ट्रेन में मैं भी यही करता हूँ ना भाई, हवा खाओ पानी पियो भाई, यही चल रहा है भाई। मतलब आपको ट्रेन दिखा देता हूँ भाई, कौन सी ट्रेन है, अजीमत एक्सप्रेस है टाइप से। ऐसी ट्रेन है भाई, इसमें चक्का ही नहीं है। चक्का लोखंड का चक्का, लोखंड का टायर है ही नहीं इसमें। टायर कहाँ से आता है, इसमें लोखंड का चक्का आता है।